दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस कहावत को तो हम सबने कई बार सुना है। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सदियों से तरह तरह के आविष्कारों को जन्म देता आ रहा है, लेकिन आविष्कार के इस दौर में हम इंसान इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपनी पृथ्वी का जरा भी ख्याल नहीं। यही कारण है कि हम इंसानों को समय समय पर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ रही है। कई आपदाएं तो ऐसी होती हैं जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जरिए डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर हाई अलर्ट पर रहने के कारण नुकसान में कमी आ जाती है। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जिसे हम जान भी नहीं पाते कि ये कब कहां पर आ जाएं। उन्हीं में से एक है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके आने की भनक इंसानों को बिल्कुल नहीं होती, पर जानवर इसे अच्छी तरह पहचान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की कि हम एक ऐसी मशीन बनाएं जिससे भूकंप आने के संकेत प्राप्त हों, ताकि जान माल का बहुत कम नुकसान हो। लेकिन आज तक हमने ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाई है जिससे भूकंप के आने का पता चल सके। लेकिन कैसा लगेगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि भूकंप के आने के संकेत प्राप्त करने वाली मशीन भले आज तक नहीं बन पाई, लेकिन भूकंप को लाने की मशीन का आविष्कार हो चुका था। जी हाँ, एक ऐसी मशीन जिससे हम जहाँ चाहें वहाँ भूकंप ला सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर ये सच है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने वाले हैं जिससे भूकंप लाया जा सकता था। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, आज हम उस मशीन को टेस्ला ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं। निकोला टेस्ला ने अपने समय में एक ऐसे जनरेटर का आविष्कार किया था जो भाप की शक्ति को बिजली में बदल देता था। कहा जाता है कि इस मशीन में ऐसी क्षमता थी कि ये भूकंप पैदा कर सकता था, इसीलिए इस मशीन को अर्थक्वेक मशीन के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि जब निकोला टेस्ला पहली बार इस मशीन को चलाकर देख रहे थे, तब कंपन इतना तेज हो गया कि आसपास के घर गिरने को हो आए, और इसे रोकने के लिए उन्होंने इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दिया। मशीन को तोड़ने के पीछे का सटीक कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि टेस्ला इस मशीन को बंद करना नहीं जानते थे और उस वक्त इस मशीन को बंद करना बेहद जरूरी था, इसीलिए उन्होंने इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दिया। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि टेस्ला इस मशीन को बंद करना जानते थे, लेकिन उन्होंने इस मशीन को इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि ये आविष्कार मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। वे जानते थे कि अगर ये मशीन किसी गलत हाथों में लगी तो इस धरती पर जीवन खतरे में आ सकता है। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनका आविष्कार जीव जंतु के सर्वनाश का कारण बने, इसीलिए उन्होंने इस मशीन को तोड़ दिया। निकोला टेस्ला बहुत ही होनहार वैज्ञानिक थे। वे किसी प्रोजेक्ट पर काम करते तो उसका अंतिम रूप अपने दिमाग में देख लेते थे। वैज्ञानिक प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी थी, इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने इस मशीन को इसलिए नहीं तोड़ा कि वे इसे बंद करना नहीं जानते थे, बल्कि इसलिए तोड़ा क्योंकि ये धरती पर जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इस घटना के बाद टेस्ला के दिमाग में भूकंप से संबंधित मशीन के प्रति बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भर चुकी थी। शायद इसीलिए उनके दिमाग में ये नहीं आया कि भूकंप पैदा करने वाली मशीन ना सही, पर भूकंप आने से पहले उसे डिटेक्ट करने वाली मशीन बनाया जाए तो वो सबके लिए बहुत सही साबित होगा। अगर टेस्ला ने ऐसी मशीन बनाई होती जिससे भूकंप के आने के संकेत प्राप्त हों, तो हम सब इस आपदा से लड़ने के लिए पहले से सारे इंतजाम कर चुके होते और इस तरह से जान माल का बहुत कम नुकसान होता। वैसे आप क्या क्या विचार है टेस्ला के इस आविष्कार के बारे में, इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। निकोला टेस्ला से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर हमने और भी वीडियो के लिंक डाले हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम यूजर आईडी नेम है @mystery_presentation।